हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मिस फिट अदिति। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइज, आज के इस ब्लॉग में मैं शेयर करने जा रही हूँ अपनी खुद की बनाई हुई सांभर रेसिपी आप लोगों के साथ। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, प्लीज़ ये ब्लॉग एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को जल्दी से आकर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, अच्छे अच्छे कॉमेंट करिए। तो चलिए फिर जल्दी से आज का ब्लॉग अपना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ ले लिए मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज और अब मैं इन दोनों मीडियम साइज़ की प्याज को कट कर लेती हूँ। सब्जियों में आप चाहें तो और भी बहुत सारी सब्जियां सांभर में डाल सकते हैं, जैसे कि बीन्स, और कुछ लोग तोरी भी डालते हैं, कुछ लोग लौकी भी डालना पसंद करते हैं। तो मेरे घर में हम लोग जो वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना प्रेफर करते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वही डालूं, क्योंकि वेजिटेबल की ज़्यादा वेस्टेज नहीं करेंगे। तो अनियंस के बाद अब मैंने यहाँ पर ले ली हैं दो ड्रम स्टिक्स, जिसे आप लोग सेजन भी बोलते हैं। तो अब मैं अपने ड्रम स्टिक्स को भी कट कर लेती हूँ, बट मैं इनके साइज़ ज़्यादा छोटे नहीं करूँगी, बिकॉज पकाते समय क्या होता है कि सब्ज़ियाँ हमारी गली नहीं हैं बिल्कुल भी, उनको मतलब 100% नहीं पकाना है। सब्ज़ियाँ जो भी जितनी भी सब्ज़ियाँ हमने ली हैं उनके बड़े बड़े पीसेस दिखने चाहिए। स्टिक्स काटने के बाद अब मैंने ले लिए हैं दो छोटे छोटे सीताफल। सीताफल मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए अब हम अपने सांभर में सीताफल भी ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, आप लोग अपनी पसंदीदा कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ सीताफल, और सीताफल के भी हम ज़्यादा छोटे छोटे साइजेस नहीं करेंगे। कैरेट, मैं अपने सांभर में कैरेट भी डालूंगी बिकॉज मुझे कैरेट खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब हम अपने कैरेट को भी कट कर लेते हैं स्मॉल स्मॉल पीसेस में। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें ऑयल। ओके, सो हमारा तेल जो है वो गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ हाफ स्पून राई। यहाँ पे मैंने काली राई का यूज किया है। इसके बाद अब हाफ स्पून मैंने लिए है मेथी दाने। मेथी दाने हम ऐड कर देंगे। तीन छोटे साइज की लाल मिर्च, लाल मिर्च भी डाल देंगे। मीडियम साइज की दो प्याज कट करके रखी थी, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें, प्याज को बिल्कुल हल्का सा सॉफ्ट करना है। और बिल्कुल हल्का सा इसमें अगर ब्राउन कलर आ जाए तो ठीक है, बट ज़्यादा ब्राउन हम नहीं करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें सीताफल। अब हमने इसमें सीताफल डाल दिया। सीताफल को भी ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना ही पकाना है कि हमारी सब्जियाँ हल्की हल्की सी गल जाएं, ताकि जब हम सांभर खाएं तो मुंह में सब्जियां ऐसा ना लगे खाते हुए कि हमने कच्ची छोड़ दी है।
नेक्स्ट मैं ऐड करने जा रही हूँ अपनी कैरेट एंड ड्रमस्टिक्स, एक साथ ही ऐड कर दिया मैंने। अगर आप चाहो तो इसमें हल्का सा नमक भी डाल सकते हो। नमक डालने से क्या होगा कि जो सब्जियां हैं वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी। सांभर में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है हमारे कड़ी पत्ता, और मैं नेक्स्ट डालने जा रही हूँ कड़ी पत्ता। मैंने 3 to 4 लीव्स ले लिए हैं, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। कड़ी पत्ता अपने सांभर में आप लोग ज़रूर ऐड करें, बिकॉज कड़ी पत्ते से क्या होता है बहुत ही अलग टाइप का फ्लेवर आ जाता है और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है सांभर में। तो इससे क्या होगा ना कि आपका सांभर बिल्कुल वैसा ही बनेगा जो आप लोग बिल्कुल बाहर रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं मेरी जो सब्जियाँ थी वो पक गई हैं हल्की हल्की। तो ये है हमारा इमली का पानी, ये इमली मैंने मॉर्निंग में ही भिगा के रख दी थी और अब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी आई है। सो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इमली का पानी आप लोगों को अपने सांभर में ऐड करना है खटाई के लिए, जिससे कि आपके सांभर में थोड़ा खट्टापन आ जाएगा। अगर इनके साथ आप लोगों को मार्केट में बाहर इमली नहीं मिलती है या आप लोगों को इमली नहीं पसंद है तो खटाई के लिए आप लोग इसमें अमचूर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप लोग अमचूर भी नहीं डालना चाहते तो आप इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर हो सके तो आप लोग इमली ही डालें, बिकॉज इमली से थोड़ा ज़्यादा इसमें खट्टापन आएगा, फिर खाने के बाद आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लगेगा सांभर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। मैं अपने सांभर में ऐड करूँगी 1/2 स्पून से भी कम हल्दी। अगर आप लोग चाहे तो ये हल्दी वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, बट मैंने ऐड की है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट मैं ऐड करने जा रही हूँ यही लाल मिर्च। मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आप लोग ज़्यादा मिर्च खाना पसंद करते हैं तो आप लोग ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को कम मिर्च पसंद है तो आप लोग 1 टेबल स्पून भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कैच का रेडीमेड सांभर मसाला। ये हमारा रेडीमेड सांभर मसाला, और मैं 2 स्पून सांभर मसाला ऐड करूँगी। मसाले में ऐड करने जा रही हूँ मैं सॉल्ट। आप लोग जो है सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, ज़्यादा खाते तो ज़्यादा, कम खाते तो कम। अब हम अपने मसालों को 5 से 10 मिनट तक पकने देते हैं, जब तक हमारे मसाले भुनेंगे तब तक हम एक बार अपनी दाल चेक कर लेते हैं। तो ये है मेरी अरहर की दाल, मैंने 1 कटोरी अरहर की दाल ली थी और मैंने दिन में ही दाल को अच्छे से साफ़ करके बॉईल कर लिया था। आपको ज़्यादा नहीं, 3 से 4 सीटियां लगानी है, 3 से 4 सीटियों में आपकी दाल अच्छे से गल जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो सब्जियां हैं और मसाले हैं वो अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसमें अपनी दाल डायरेक्टली ऐड कर देंगे। सांभर अभी मुझे थोड़ा थिक दिख रहा है तो इसको पतला करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 ग्लास ऑफ वाटर। आप लोगों को जितना पतला चाहिए आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं। तो हमारे सांभर में अभी ये हल्का हल्का उबाल आने लगा है, तो अभी इसे पकने देते हैं। और 10 मिनट्स के लिए मैं कुकर को ढक देती हूँ, पूरी लिड नहीं बंद करनी है क्योंकि दाल हमारी ऑलरेडी उबल चुकी थी। तो मैं इसे बस 10 मिनट के लिए ढक देती हूँ और पकने देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग ओके गाइस। सो आप लोग देख सकते हैं हमारा सांभर बिल्कुल रेडी हो चुका है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई एम श्योर ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना होगा। और अभी भी इसमें हल्का हल्का हम उबाल आने दे रहे हैं, बट मैं बता देती हूँ कि ये पूरी तरह से पक चुका है एंड रेडी टू सर्व है। सांभर है हमारा यहाँ पे रेडी और मैं कराने जा रही हूँ पापा को टेस्ट। ये लो सांभर। आपने बनाया? यस। खा के हमारे व्यूअर्स को बताओ कैसा बना है।
सांभर बहुत औसम बना है, बहुत बढ़िया बना है, हर एक चीज का टेस्ट आ रहा है अपनी जगह। जो आपने इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाले हैं सबका टेस्ट अलग अलग दिख रहा है। नमक मिर्च सब ठीक है, परफेक्ट। खटाई लगी है? खटास भी लग रही है, हर चीज अपने का परफेक्ट है, बहुत बढ़िया बनाया है। पास हो गई, औसम बनाया आपने। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं कि साउथ इंडियन ढाबे से रेस्टोरेंट से सांभर पी रहा हूँ, मैंने ऐसा सांभर कभी नहीं खाया। ओके गाइस, तो पापा को फाइनली मेरे हाथ का बना हुआ सांभर पसंद आ गया है। और अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी सांभर की रेसिपी कैसी लगी।